आम्ही संग्राम फाउंडेशन तर्फे ठेवलेल्या पत्रकार परिषदामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आम्ही येणाऱ्या आगामी 5 जूनला एक जंतर मंतर दिल्लीला एक ध्यानाकर्षण मोर्चा करतोय, त्याविषयी पत्रकार परिषद आम्ही बोलवलेली आहे आणि ह्याच्या संदर्भात संपूर्ण जानकारी आमचे. जय हिंद आप सबको. जय हिंद. दरअसल जय हिंद अभियान की शुरुआत लगभग 6 साल पहले हुई है. इसके शुरुआत करने का उद्देश्य ऐसा था कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में ऐसे रहे हैं जो गरम दल से संबंध रखते थे, जैसे HSRA जो अपने आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है. इनको आज के डेट में इतिहास ने वो स्थान नहीं दिया. आज भी मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान दिवस है, मोहन किशोर नामदास उनका नाम है, जिन्हें अंडमान की जेल में रखा गया था और अंडमान की जेल में भूख हड़ताल के दौरान आज के दिन जबरदस्ती खाना खिलाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अत्याचार हम कितना करेंगे कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो अत्याचार की पराकाष्ठा. लाल दीक्षित, बुद्धू भगत, फिर आपके बाजी राउत, तिलका मांझी, तुर्रम खान, ऐसे नाम है. इनके बारे में शायद आप लोगों ने भी नाम ना सुना हो, लेकिन अगर आप इनके इतिहास में जाएंगे, इनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपके भी अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जागेगा. और देश के हर जगह हमने अपनी मांगे रखी है. केंद्र सरकार के पास भी हम लोग 6 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं. हमारे अध्यक्ष जी जा के केंद्र में, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में, शिक्षा हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों बैठी है. जनता और शासन के बीच में आप लोग ही सेतु का काम करते हैं. और पत्रकारिता इस देश की ऐसी धरोहर और ताकत है जो छोटी सी छोटी बात को भी केंद्र प्रशासन तक पहुंचाने का क्षमता रखती है. तो मैं यही उम्मीद करूं, आगे जायज नहीं है तो उन मांगों के लिए केंद्र ये भी तो बताए कि भाई ये जायज नहीं, हम नहीं कर सकते हैं. 6 साल का प्रयास बहुत लंबा प्रयास होता है और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे. और हमारे साथ पूरे देश में लोग जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं. तो जय हिंद अभियान की संक्षिप्त में जानकारी इतनी ऐसी है कि जैसे पंडित चंद्रशेखर आजाद जो कि HSRA के कमांडर इन चीफ थे, गरम दल के नेतृत्वकर्ता वही थे अखंड हिंदुस्तान के, आज चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे इस देश में लगभग कोई चीजें है नहीं, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग इनके नाम में. आंदोलन बोलना ये नहीं, ध्यान आकर्षण जो मोर्चा है उस समय वहाँ पे हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक मुकेश खन्ना जी हमारे साथ में और हमारी जो थाना की टीम है, सारी पूरी टीम वहाँ पे रहेगी और प्रत्येक राज्य से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ से खुद आ रहे हैं. तो सभी हमारे जो अभियान के लोग हैं सब लोग में समय चल रहा है, तो हमें भी प्रशासन की बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो हमारी तरफ से तो हमने ये, जबकि पूरे देश से जहाँ पे हमने बताया हुआ तो वहाँ से हज़ारों की संख्या में बोल रहे थे, लेकिन हमने मना किया हुआ था. वहाँ पे हम 300-400 लोग, जितना हमको प्रशासन ने बताया उतने ही लोग हमको वहाँ पे रहेंगे. कितने संग्रामी है जिनका राजा जी को अभी तक सम्मान मिला है कि नहीं मिला है, आपको ये भी पता नहीं होगा कि अभी तक उनको ऑफिशियली शहीद का दर्जा मिला है कि नहीं मिला है. चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा राजगुरु जी हो गए, सुखदेव जी हो गए शहीद, अशफाकुल्ला खान जी हो गए, आपके मुंबई महाराष्ट्र के विष्णु पिंगले जी हो गए, तो ऐसे अनगिनत हैं. अनंत लक्ष्मण कानेरे. जय हिंद अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए न्यौछावर हो चुके हैं उनके बारे में लोग जानें, हमारे आज के बच्चे उनको अपना आइडियल बनाएं, उनको अपना आदर्श बनाएं. और हमारा एक परम उद्देश्य ऐसा है कि वैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश के इतिहास से और लोगों के स्मृति पटल से भी गुम हो चुके हैं, उनके नामों को भी बाहर लाना. जैसे मैंने बताया, वीर बुद्धू भगत, बाजी राउत, तिलका मांझी, गेंदालाल दीक्षित, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सचिन नाथ सान्याल, ये ऐसे महान नाम हैं जो उस समय महान कृत्य करते हुए देश के लिए कुर्बान हुए, लेकिन उनके बारे में आज ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. और शुरुआत में जब जय हिंद अभियान हमने शुरू की थी तो सिर्फ एक या दो जन ने मिलकर शुरुआत किया था. आज हमारे पास ऐसे ऐसे युवा योद्धा आपके सामने आप देखेंगे, गजानन यादव, सुशील शुक्ला, रामप्रीत यादव जी, अमित राजपूत, ऐसे पूरे देश से हमारे साथ लोग अब युवा भी जुड़ रहे हैं. तो हम ये अब उम्मीद कर सकते हैं और यकीन है कि इस अभियान के लक्ष्य को एक दिन प्राप्त करके रहेंगे. मैं गोपाल सिंह, संग्राम फाउंडेशन से. ध्यान आकर्षण मोर्चा जो है ये उन सारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. 5 जून को हम दिल्ली में जंतर मंतर पे इन सारे क्रांतिकारियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए हम पूरी टीम वहाँ पे जा रही है और ये ध्यान आकर्षण मोर्चा वहाँ पे हम शांतिपूर्वक करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, विष्णु पिंगले, सावरकर जी, ऐसे अनगिनत अनेकों क्रांतिकारी हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिला है, उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए हम ये ध्यान आकर्षण मोर्चा वहाँ पे कर रहे हैं. और हमें दिल्ली प्रशासन से ये परमिशन मिला है, हमें ये वहाँ से आज्ञा मिली है कि आप
300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं लेके आ सकते हैं। तो हम पूरे देश से, हम थाना से 150 लोग जा रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे थे। हमने वहाँ पे लोगों को बोला है कि आप एक लिमिटेड संख्या में आ पाइए, क्योंकि हमको प्रशासन के साथ में चलना है, और प्रशासन क्योंकि इस समय कोविड का माहौल है, हमको उनको भी देखना है।